तेज बारिश के चलते 15 तारीख की रात में चौपट नदी में बहे शिव प्रताप सिंह की गाड़ी पुलिया के पास फंसी मिली, परंतु उनके डेड बॉडी 4 किलोमीटर दूर आगे की गांव बाला भेट की पुलिया के ऊपर फंसा हुआ मिला। 60 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आरके पैथरोल के नेतृत्व में हुआ। रेस्क्यू के दौरान एसडीएम अक्षय ताम्रवाल, नायब तहसीलदार उदयकांत, थाना प्रभारी अरुण भदौरिया रेस्क्यू के दौरान मौजूद थे। एसडीईआरएफ की टीम द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। अभी की वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे पास गाड़ी हम लोग देख पा रहे हैं, गाड़ी रेस्क्यू कर ली गई है और अभी जो उसके अंदर व्यक्ति मौजूद था वो यहाँ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सूचना मिली आगे बालाभेट पूजा पे एक मृत शव का पार्थिव शरीर मिल रहा है, अभी उसकी टीम भेजी गई है तो जांच करके पुष्टि कर पाएंगे ये वही व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति है, थोड़ा समय और लगेगा। सिब्बू भाई शेखर हमारा बचपन का नाता है, वो हमारे मोहल्ले में ही निवास करते थे, तो ये बड़ी दुर्घटना हुई है। क्या तरुण, बड़ी चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर हम सबके पारिवारिक संबंध शिव प्रताप बैस के परिवार से रहे हैं, उनके छोटे भाई विष्णु जो कि हमारे साथ बचपन से खेले बड़े और हम सबका आपका हमारा और हमारे कई मित्रों का पारिवारिक नाता रहा है और प्रशासन निरंतर रेस्क्यू कर रहा है। 15 अगस्त की रात की घटना है और बड़ी घटना की आशंका जताई जा सकती है। ईश्वर से हम कामना करते हैं ऐसी किसी बड़ी घटना की आशंका को टाले, हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रशासन निश्चित तौर पर पूरी गुस्सा के साथ लगा हुआ है। देखें आगे जाके जो भी नई खबर नया समाचार मिले उसको सभी लोग लेकर चिंतित हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोग आवाजाही ना करें, आसपास नल नाले बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ और अनाउंसमेंट भी किया था जब ये कैंडिडेट खुले आते हैं उस समय पूरे क्षेत्र में आसपास जहाँ जहाँ पूजा आने पड़ते हैं वहाँ अपनी गाड़ी से लाउड इधर से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि कोई भी सड़क के रस्ते में या नाले में या फिर पुल में पानी हो बाहर ना निकलना, बाहर से चला जाना और बैरिकेडिंग वगैरह और सब रख दिया जाता है। कल भी एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही थी और आज भी सर्चिंग जारी है। कल से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, शाम को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू बंद कर दिया गया था और पानी का स्तर भी बढ़ रहा था, एक तीसरा गेट भी खोल दिया गया था गोपी सिंह सागर डैम का, इससे स्तर बढ़ रहा था और अंधेरा होने के कारण कल बंद किया रेस्क्यू और आज हमने सुबह 7 बजे हम लोग आ गए थे। 7 बजे से फिर हमने जब साहब को बताया अपने तो गेट वगैरह बंद किए गए हैं तो धीरे धीरे जल का स्तर कम होता जा रहा है और हमने रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम इसको पूरा करेंगे।